बड़ी खबर है, राजधनवार से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। हिमंता बिस्वा सरमा और निशिकांत दुबे निरंजन राय के पैतृक आवास पहुंच के उनसे बातचीत की है। गृहमंत्री अमित शाह की राजधनवार में होने वाली सभा में निरंजन राय बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे। आज आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा आयोजित है राजधनवार में और ये जानकारियां हैं कि निरंजन राय अमित शाह की इसी सभा में सदस्यता बीजेपी की ले सकते हैं। राजधनवार से निर्दलीय प्रत्याशी है निरंजन राय। अधिक जानकारी के साथ गिरिडीह से हमारे संवाददाता श्रीकांत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, इससे पहले भी आपसे बातचीत हो रही थी, आपने बताया कि किस तरीके से जब इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था उस वक्त भी ये बाबूलाल मरांडी के पैर छूकर आगे बढ़े थे और आज देखिए कहीं ना कहीं जो मेहनत हिमंता बिस्वा सरमा ने की, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने की, वो उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। जहां वो जो गढ़ था बीजेपी का, बाबूलाल मरांडी का बताया जाता था धनवार सीट, वहां मजबूती वापस से बीजेपी को मिलती नजर आ पाएगी। श्रीकांत, देखिए निश्चित तौर से बता दें कि निरंजन राय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब से नामांकन किया था, नामांकन के एक दिन पूर्व ही निशिकांत दुबे उनके घर पहुंचे थे मनाने के लिए। हालांकि निरंजन राय ने साफ तौर पर मना कर दिया था और उन्होंने नामांकन किया था। नामांकन के बाद से वो लगातार तापड़ तोड़ सभाएं कर रहे थे, दौरा कर रहे थे और एक अच्छे और सुलझे हुए प्रत्याशी के तौर पर वो मैदान में थे। लेकिन आज जिस तरीके से हिमंता बिस्व सरमा और निशिकांत दुबे उनके घर पहुंचे हैं, अब ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि आज अमित शाह के कार्यक्रम में भी निशिकांत दुबे शामिल होंगे स्टेज पर। एक तरीके से भाजपा का वो औपचारिक रूप से आज दामन भी थाम लेंगे और वो लगातार अपने भाषणों में कहते भी रहे थे। न्यूज 11 भारत से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया था कि वो बाबूलाल मरांडी के हनुमान हैं। हालांकि वो मैदान में हैं, चुनाव में जनता के लिए मैदान में हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हिमंता बिस्व सरमा लगातार जो लोग नाराज थे, उन नाराज लोगों के घर जा रहे थे, उनको मना रहे थे और उनको अपने पक्ष में करने की जो जिस तरीके से जो योजना थी, उस योजना के तहत ये हम मान सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को धनबाद विधानसभा में सफलता मिली है। और बाबूलाल मरांडी से भी हमने जब बात की है तो बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि वो परिवार के सदस्य थे और जब वो परिवार से अलग होने की बात उन्होंने कही थी तो निश्चित रूप से उन्हें दुख हुआ था, लेकिन अब जब लोग वापस आ रहे हैं तो उन्हें ये खुशी है और मजबूती भी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को धनबाद विधानसभा सीट पर। और एक तरीके से जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि जीत हमारी तय है, बस जो मार्जिन है उस मार्जिन को बढ़ाना था। और निरंजन राय एक तरीके से एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे और एक मजबूत प्रत्याशी से भाजपा के समर्थन देने के बाद की खबरों से जो है निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी को मजबूती मिलेगी। और बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से उन्होंने भी बताया कि अब जो है जब परिवार के लोग वापस आ चुके हैं तो ये खुशी की बात है और इसकी खुशी उन्होंने जाहिर भी की है न्यूज 11 के कैमरे पर। और उन्होंने बताया है कि ये एक सुखद पल है, जब परिवार से दूर गए लोग वापस आते हैं तो उन्हें खुशी भी होती है। और निरंजन राय के आवाज पर हिमंता बिस्व सरमा और निशिकांत दुबे का पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि आज अमित शाह के कार्यक्रम में एक तरीके से, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है अभी तक, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि निरंजन राय इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और उन्होंने एक तरीके से, हालांकि उनके द्वारा ये अभी घोषणा होनी बाकी है निरंजन राय के द्वारा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को धनवार विधानसभा सीट से मजबूती मिली है और एक तरीके से एक बड़ा पहल आप मान सकते हैं। बड़ी जिस तरीके से जो रणनीति थी भाजपा की, उस रणनीति में भाजपा काफी सफल होते नजर आ रही है और जो निर्दलीय थे उनको मनाने में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की है। बिल्कुल श्रीकांत, चलिए शुक्रिया आपका श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हालांकि औपचारिक घोषणा निरंजन राय की तरफ से फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन चीजें स्पष्ट है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा में वे शामिल होंगे और यहां वे बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।